और भाई साहब ड्राइवर ने रॉन्ग वे पकड़ लिया भाई। अबे नहीं भाई, ये बोल रहा है ड्राइवर को गोली मारो, उससे भाई लिटरली घंटा नहीं हुई है भाई। ओ भाई ये मैंने क्या कर दिया भाई साहब, वे फ्रैंकली ने क्या ही कर दिया है, एंटर हो चुका भाई कहानी में। ऑलराइट गाइस, तो शुरू हो चुका है हमारा J5 का लास्ट मिशन। और एक सेकंड, ये भाई कैसा सिनेरियो है, यहाँ पर फ्रैंकलिन गन लेके खड़ा है और यहाँ पर ट्रेवर आया हुआ है उससे कुछ बातचीत करने। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई ये दोनों के बीच लड़ाई है या फिर ये दोस्त है, कुछ भी आइडिया नहीं है। देखते हैं क्या होता है और अभी तो अपन गेम पे फोकस करते हैं। ट्रेवर पता नहीं कुछ डायलॉग बोल रहा है और भाई ट्रेवर अपना एज यूजुअल अपना गुस्से में ही बोल रहा है, तो देखते आगे क्या सीन है। बाकी भाई फ्रैंकलिन है अपने हाथ में गन पकड़ के रखी है, ये इतना मेरे को दिख रहा है। और भाई साहब इनकी बातचीत चल रही है। ओ भैंस की टांग, ओबे भाई फ्रैंकलिन ने गन तान ली भाई, ट्रेवर पे गन तान ली और भाई ट्रेवर भी एकदम शॉक हो गया। मेरे को कुछ आइडिया नहीं है भाई क्या होने वाला है, देखते हैं। ओ भाई साहब फ्रैंकलिन उससे भी ज्यादा गुस्से में, मेरे को लग रहा है फ्रैंकलिन के साथ कुछ बुरा हुआ है भाई, वरना फ्रैंकलिन अपना ट्रेवर पे तो गन तान ही नहीं सकता। मुझे पक्का पता है भाई इनके बीच कुछ हुआ है। और भाई साहब इन दोनों की बातचीत चल रही है और उसने भाई लिटरली गन तानी हुई है भाई। अभी एक ट्रिगर, ओ भाई ट्रेवर भाग गया, ओपे भैंस की टांग, ट्रेवर डर के भाग गया। एक सेकंड, अबे अभी क्या करना है भाई, ट्रेवर का पीछा करना है। फ्रैंकलिन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी है और ट्रेवर अपना ट्रक लेके भाग गया भाई साहब। लगता है कुछ बड़ा पंगा हुआ भाई इन दोनों के बीच में, पक्का बड़ा पंगा हुआ है। और एक सेकंड भाई, एक गाड़ी तो कंट्रोल में नहीं आ रही है, फटाफट से अपनी गाड़ी को घुमाते हैं। और फ्रैंकलिन ने भाई अभी तक अपनी खटारा कार बदली नहीं है, मतलब गेम के लास्ट में अपन आ चुके हैं लेकिन अभी भी इसके पास ये व्हाइट सेडान ही है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसे से पीछा कर लेंगे। बाकी एक सेकंड, बातचीत में कहीं अपना ड्राइवर ना भाग जाए। और उससे भी पहले मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई, फ्रैंकलिन ड्राइवर को मारना क्यों चाहता है भाई, इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि एक दोनों को मारने में लगे पड़े हैं। बाकी अगर आगे देखेंगे। बाकी अपन फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं, स्पीड इसकी रोड पे ज्यादा अच्छी है लेकिन ऑफ रोडिंग में कुछ भी काम की नहीं है। और भाई साहब ड्राइवर ने रॉन्ग वे पकड़ लिया भाई, एक सेकंड आराम से चलानी पड़ेगी, पता नहीं भाई ट्रक पे जाके गाड़ी भिड़ेगी और अपनी गाड़ी की हालत खराब होने वाली है। बाकी बातचीत कम करते हैं। ओ भाई भाई गलत आ गया, घुमाओ घुमाओ भाई, ड्राइवर दूर ना भाग जाए। ड्राइवर भाई ऊपर वाले पुलिये पे चढ़ गया और अपन नीचे ही डोल रहे हैं। ओ भैंस की टांग, ये रॉन्ग वे मेरे को दिक्कत देगा भाई, रॉन्ग वे मेरे को पता है। फटाफट से अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डालते हैं और ड्राइवर भाई कुछ ज्यादा ही आगे जा चुका है मेरे को ऐसा लग रहा है। फटाफट से मेन हाईवे पकड़ते हैं भाई, आराम से देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। अभी बातचीत हमें थोड़ी कम रखेंगे, अपन को पहले देखना है भाई आखिरी इन दोनों के बीच हुआ क्या और माइकल कहां पर है भाई, देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी अभी मैंने अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया, वैसे इसकी स्पीड ही 150 तक की है और रात में भाई कुछ दिख भी नहीं रहा भाई ड्राइवर का ट्रक कौन सा है और गाड़ी कब से भिड़े जा रही है। एक सेकंड, ऐसा करूं क्या ड्राइवर के टायर पंचर कर दूं भाई गाड़ी का, ऐसे करते हैं। बाकी ड्राइवर मेरे को सामने देख चुका है अपना ट्रक भगाते हुए, ऐसे करते हैं इसको टक्कर मार दे भाई। ओ भैंस की टांग, ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहा है भाई, वैसे तो अपना फ्रैंकलिन एक्सपर्ट है ड्राइविंग में लेकिन आज भाई ड्राइवर भी कुछ ज्यादा ही अलग तरीके से गाड़ी चला रहा है और अपन ये इसका पीछा छोड़ने नहीं वाले भाई। सब एक गाड़ी टूट के मानेगी, आराम से चलते इसके फटाफट पीछे। और ड्राइवर पता नहीं कहाँ ही जा रहा है, जंगल के अंदर जा रहा है, मेरे को तो खुद डर लग रहा है भाई। फ्रैंकलिन में इतनी हिम्मत आई कैसे कि भाई ये ट्रेवर पे गन तान रहा है, पता नहीं भाई इनका क्या ही सीन है। लेकिन मेरे को ये पता है भाई पिछला वाला मिशन काफी बढ़िया होने वाला है, मतलब ये जो एंड मिशन है ना, एक तो इसमें सस्पेंस है कि भाई आखिर गुंडा कौन है और हीरो कौन है कहानी का। और एक सेकंड भाई मैं बातचीत में फिर से गलत आ गया, लेकिन एक सेकंड ड्राइवर अपने सामने से जा रहा है और माइकल का फोन आ गया भाई, माइकल अपन से बातचीत कर रहा है। और एक सेकंड माइकल क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं, पता नहीं भाई माइकल का कॉल आया था और माइकल ने ये क्या बोला वो भी मेरे को पता नहीं है, वो सब बाद में पता चलेगा जब अपन ड्राइवर को पकड़ेंगे। और भैंस की टांग, ये ड्राइवर भाई गाड़ी कैसे चला रहा है। और राइट गाइस, ड्राइवर पता नहीं कहां, ओ भाई माइकल एंटर हो चुका भाई कहानी में, कहानी में ट्विस्ट आ गया भाई, माइकल एंटर हो चुका और भाई क्या ही टक्कर मारी है। एक सेकंड भाई माइकल ने ड्राइवर के टक्कर को, एक सेकंड ऑल राइट, आराम से भाई ये क्या हो रहा है। अभी ये तीनों तो एक टीम में थे ना भाई, तीनों दोस्त थे, मैंने सोच रहा भाई डगन बॉस वगैरह कोई दुश्मन होगा लेकिन ये तो आपस में ही लड़ने में पड़े भाई एंड मिशन में, ये क्या हो गया। और लिटरली बता रहा हूँ मैं ये मिशन पहली बार खेल रहा हूँ, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है भाई क्या होता है और ना ही मैंने कोई वीडियो देखा है कि इस गेम में एंड में क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और जिस जिसने भाई नहीं देखा वो साथ में सस्पेंस को फील करेगा मेरी तरह। और अभी यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि
एक सेकेंड, पुट डाउन ट्रेवर, मेरे को क्या करना है? अबे अबे नहीं भाई, ये बोल रहा है ट्रेवर को गोली मारो। अबे भैंस की टांग, ओ तेरी भाई, ट्रेवर चल गया। ओ भाई ये मैंने क्या कर दिया भाई साहब, बे फ्रैंकलिन ने क्या ही कर दिया है, यहाँ पर लिटरली ऑयल ऑयल गिरा हुआ था और भैंस की टांग, यहाँ पर आग लग चुकी थी और अपना ट्रेवर जल चुका है। अबे भाई ये क्या हो गया इन तीनों के बीच भाई, इतनी बात बढ़ गई, ट्रेवर को निपटा दिया लिटरली भाई, जो असली गुंडा है भाई, जो किसी से नहीं डरता, ट्रेवर को निपटा दिया इन बंदों ने। पता नहीं कुछ बड़ा ही सीन हुआ है, मेरे को लगता है कुछ बहुत ही बड़ा सीन हुआ है, तभी भाई बात इतनी बढ़ चुकी है। और माइकल और फ्रैंकलिन एक टीम में, इतना अभी मेरे को लग रहा है ये दोनों एक टीम में थे। ट्रेवर से पता नहीं इनको क्या ही दुश्मनी थी भाई, बेचारे ट्रेवर को जिंदा जला दिया इन्होंने। देखते हैं भाई क्या सीन होता है, और अभी ये पता नहीं दोनों क्या ही बातचीत कर रहे हैं भाई, बेचारे ट्रेवर को निपटा दिया भाई, मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा ऐसे, एकदम आड़ू आदमी था, जैसा चाहता था वैसा करता था। पता नहीं इन दोनों के बीच क्या ही चल रहा है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पता नहीं अभी ये दोनों ना झगड़ने लग जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और विलन कौन है भाई, एंड में पता तो चले कहानी का विलन कौन है। एक सेकेंड, दोनों के बीच फिर से बातचीत चल रही है, और इतना तो मेरे को पता है भाई, ये सारा माइकल का किया धरा है भाई, फ्रैंकलिन में इतनी हिम्मत आ ही नहीं सकती भाई, बंदे को गोली से उड़ा सके, ये पूरा माइकल का किया धरा है। और अभी पता नहीं क्या ही चल रहा है, वैसे माइकल बढ़िया लग रहा है भाई, रात में भी इसने चश्मे डाले हुए हैं, इसका अलग ही स्वैग है, बाकी देखते हैं क्या सीन रहता है। ओ अभी भाई काम डन हो गया इनका, ये बस चिल मार रहा है भाई, ये क्या सीन हो रहा है, ये एंड तक आते थे इतने कुत्ते कमीने कैसे हो गए भाई, लिटरली ट्रेवर को टपका दिया इन्होंने, और अभी देखो कुछ फील भी नहीं हो रहा है इनको। ऑलराइट अभी अपन इतना सेंटी नहीं होते, अपन को पता नहीं भाई ट्रेवर ने अभी क्या क्या कांड किया होगा, तभी इन्होंने ऐसा कुछ किया है, अपन अभी किसी के साइड में नहीं है, लेकिन हाँ भाई ट्रेवर के लिए दिल से बुरा लग रहा है भाई थोड़ा बहुत, और पता नहीं ये क्या ही बातचीत कर रहे हैं, और इनकी बातचीत मेरे को लग रहा है अभी खत्म नहीं होने वाली है, तो फटाफट से इस वाले पार्ट को स्किप करते हैं, और वैसे भाई ये जाने ही लग रहा है तो इनको जाने देते हैं, चलो मैंने सोचा भाई इसको पार्ट को स्किप करते हैं, लेकिन ये खुद जा रहे हैं तो बढ़िया है। तो अपना माइकल अपनी कार में जा रहा है, लेकिन ये भाई कैसे जाएगा भाई, फ्रैंकलिन अपना पैदल जाएगा क्या भाई, और ये अपना लॉस एंजेलिस सिटी बता रहा है, और भाई क्या ही बढ़िया लग रही है। और ये अभी गेम खत्म हो गया, अबे भाई साहब ये क्या था, एक सेकंड भाई, लास्ट मिशन में यही था क्या, मतलब ट्रेवर को टपका दो भाई, ट्रेवर इनको असली विलन लग रहा है क्या भाई, मेरे को अभी समझ में नहीं आया, मैंने डायरेक्ट लास्ट मिशन खेला एक तो, क्योंकि मैंने गेम स्टार्टिंग से खेला है, मतलब मैंने 50% कंप्लीट किया, और तब तो भाई तीनों दोस्त थे, लेकिन एक सेकंड भाई अभी यहाँ पर गेम खत्म हो गया लिटरली, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपन मेरे हिसाब से इसके बाद एक और मिशन है वो कंप्लीट करते हो, फिर पता चलेगा कि एंड में हुआ क्या था।